हम देख रहे इमेजिन एंड राइट यू आर ऑन अ माउंटेन एंड हाउ डू यू फील देयर। तो मैं रचना मैडम आपका स्वागत कर रही हूँ फिफ्थ स्टैंडर्ड। हम आए हैं 85 पेज पे हमारा प्यारा सा लेसन जिनका नाम है 9th चैप्टर क्लाइंबिंग हाई। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है और हम कहाँ तक इनका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, व्हाट कैन यू सी ऐसा पूछा गया है। व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग अलोन ऑन द माउंटेन टॉप। अगर आप गए हैं तो अ 12 ईयर ओल्ड लायन इन द लिविंग इन द माउंटेन्स दैट वाज आउट ऑफ द स्कूल पिकनिक। तो वो गए थे और उन्होंने क्लाइंब किया माउंटेन्स, पीक्स भी थे वहाँ, 400 किलोमीटर्स के आसपास थे बच्चों। उनके फ्रेंड्स के साथ वो गए थे और उन्होंने द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर सो इट वॉज डार्क एंड ए कुड नॉट कम डाउन सो इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्केरी नाइट देयर वर अलोन विद एनी फूड एंड इट वॉज लॉन्ग नाइट। तो क्या हुआ था, वॉट हैपन टू बछेंद्र पाल वेन शी वॉज अ यंग गर्ल। बछेंद्र पाल क्या किया था उन्होंने, ग्रू अप इन नकुरी विलेज एंड इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड एंड वेन शी ग्रू ओल्डर शी ज्वाइन द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उनको पहले से ही बहुत सारा इंटरेस्ट था उत्तरकाशी एंड देन हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। शी डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग एंड शी स्टार्टेड टू ट्रेन वेमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेस एंड इन 1984 बछेंद्र वॉज सेलेक्टेड एज अ टीम मेम्बर टू क्लाइम द कौन द माउंट एवरेस्ट। फिर क्या हुआ, तो ऐसी जगह पे क्या होता है ज़्यादा करके, स्नो स्टॉर्म होता है। देर वर 7 वेमेन इन द टीम ऑफ 18 मेम्बर्स। ऑन द नाइट ऑफ 15 मे द टीम वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग रीच द हाइट ऑफ 7030 meters। तो फिर उन्होंने क्या किया, टीम का इंटरेस्ट था, उन्होंने पुट अप किया द टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप। तो उन्होंने अपना टेंट वेंट बना दिया और जाके सो गए बच्चों। फिर क्या किया उन्होंने, अराउंड द मिड नाइट दे हर्ड अ लॉट ऑफ साउंड एंड देन अ बैंग। आफ्टर दैट दे वर फुली अवेक द टेंट फ्लू एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम। इट वॉज टेरेबल स्नो स्टॉम। बछेंद्र वॉज ऑलमोस्ट बेरी रन द स्नो एंड वॉज हर्ट ऑन दी हेड। सडनली अरे बापरे, सडनली मैनी ऑफ द टीम मेम्बर्स वर ऑल्सो इंजर्ड। द अदर्स वर यूज स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग अप दोज हु हैड बेरीड अंडर द स्नो। तो ऐसा भी होता है जैसे यहाँ पर स्टॉम होता है तो ऊपर भी वैसे हम जैसे जाते हैं स्नोफॉल हो जाता है और हम लोग अंदर धस सकते हैं बच्चों। द रेस्ट ऑफ द मेम्बर्स रिटर्न टू द बेस कैंप बाय बट बछेंद्र वेंट अहेड क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टडीली टूवर्ड्स द पीक। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून ऑफ मे 23rd वेन बछेंद्र पाल स्टेप्ड इन टू द पीक ऑफ 8848 meters हाई माउंट एवरेस्ट विच इज़ कॉल्ड द सगर मथन मथा इन नेपाल। देर वॉज अनादर टीम मेम्बर विथ हर। देर वॉज नो स्पेस फॉर टू पीपल टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द सेम टाइम। वन स्लिप्ड एंड देन दे कुड फॉल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड्स ऑफ फुट फीट बिलो। तो बछेंद्र एंड हर टीम मेट डिग इन टू द स्नो पिच्ड देयर एक्स slightly in the ice and using this as a hook they tried themselves to be with the rope। तो वहाँ पर ऐसा था कि एक ही जन वहाँ पर पिक पे पहुँचने के बाद वहाँ पर खड़ा रह सकता है, अदरवाइज आपको इतना ज़ोरदार धक्का लगेगा तो आप नीचे गिर जाओगे और वापस आपको लग सकती है बुरी तरह और आप सैकड़ों मील दूर फेंक सकते हो। तो बट इन्होंने क्या किया, उनका जो एक्स था वो उन्होंने धस दिया पूरा ग्राउंड पे और बच्चों ताकि वो गिरे नहीं। और फिर बाद में ओनली देन टू ऑफ देम कुड स्टैंड देयर। शी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड बट फील द वॉर्म ऑफ द अचीवमेंट एंड शी बाउड हर हेड पिच द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स।
तो उन्होंने फोटोग्राफ्स भी लिए बच्चों। दे स्पेंड 43 मिनट्स ऑन द पीक हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड द फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो देखा, लड़कियाँ कम नहीं हैं, ये स्टोरी से हमको ये पता चल रहा है बच्चों। तो फोटोग्राफ्स अगर आपको मिले तो आप एक्चुअली माउंटेनिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, स्लिंग, टिटॉन्स, हैंड शूज, रोप्स, फिर स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सेट्रा, दिस विल हेल्प टू इन यू डिस्कस इन द विद द चिल्ड्रन। तो ये आप डिस्कस हमारे साथ कर सकते हो कि कैसे ये लोग कर सकते हैं या कर पाएंगे बच्चों। तो देखिए कैसे इनके यूनिफॉर्म है, और नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि ये हमारा जो भारत माँ का झंडा है कैसे इज्जत से इन्होंने लहराया है, और अपनी मातृभूमि के कारण उनको स्मरण करते हुए उन्होंने वहाँ हिम्मत पूरी जुटकर वहाँ पता भी नहीं चल रही कि कितनी लड़कियां हैं कि कितने आदमी हैं, सब एक सरीके लग रहे हैं, और लड़कियां भी कम नहीं हैं बच्चों। ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ की है। व्हाई डिड बचेंद्री होस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन द पिक, बिकॉज शी वॉन्टेड टू शो कि इंडियंस कम नहीं हैं, और हमारी भारत माता है उनका गौरव है हम, और अगर हम आगे हैं तो हमारी माता और हमारा देश पहले आगे है, क्योंकि हम हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब पेट्रियोटिज्म है और हमारे देश के प्रति प्रेम है, हमारा ममता है, तो वो जागरूक हुई है। व्हेन यू हैव सीन अ नेशनल फ्लैग होस्टेड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो नेशनल फ्लैग तो हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त को हम होस्ट करते हैं। मेक ग्रुप्स ऑफ 6 to 8 चिल्ड्रन एंड डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर योर ग्रुप एंड एक्सप्लेन हु वाई यू चूज दैट डिज़ाइन। तो आपको भी डिज़ाइन चूज़ करनी है आपके फ्लैग के लिए, आपके घर के लिए, आपके टीम के लिए, और आप मुझे बताइए क्यों आपने ये चूज़ की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन द नेशनल फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर, तो कहाँ पे है, तो वो आपको बताना है। व्हाट वी हैव लर्नड ये एक्सप्लेन किया है 86 पेज पे कि वाई इट कैन बी एडवेंचर्स एंड चैलेंज टू क्लाइम द माउंटेन, क्यों आसानी से हम माउंटेंस को बच्चों नहीं तय कर सकते। हाउ वुड यू प्रिपेयर इफ़ यू वर क्लाइंब अ माउंटेन, व्हाट वुड यू टेक विथ यू राइट इन मोमेंट्स वंस। तो जैसे आपको अभी पता चल गया है तो आप क्या क्या कैरी करोगे, आप ऑक्सीजन सिलेंडर है वो कैरी करोगे, फिर आपके फ्रेंड्स होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, माउंटेनियस इक्विपमेंट जो भी हो, स्ट्रिंग, पिटॉन्स, फिर हंडर शूज, रोप्स, स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो आप अच्छे से क्लाइम नहीं करेंगे। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त तो होता है, नेक्स्ट टॉपिक को लेके आऊँगी। लेसन नंबर हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टोरीज ऑफ वॉर्स 87 पेज पे। तो दीजिए रचना मैम को इजाज़त, ये जो हमारा लेसन है इसको पढ़िए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार, जितनी के सेवा करोगे उतना मेवा मिलेगा कहते हैं, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद रहेगा। और फिर हमारा लास्ट चैप्टर ये सैम का हम करेंगे, 10th स्टोरी ऑफ वॉल्स। तो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना।